हाय स्टूडेंट्स, विशेस फॉर गुड हेल्थ एंड नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। टुडे लेट अस कंटिन्यू लोरेंज फोर्स चैप्टर 4 12th क्लास। इन द लास्ट क्लास वी हैव डन अबाउट मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स। टुडे वी विल डिस्कस लोरेंज फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल। लोरेंज फोर्स का मतलब है नेट फोर्स, एंड नेट फोर्स ऑन ए चार्ज्ड पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर, नेट फोर्स इज द वेक्टर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। एफ ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स, एफ एम स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फोर्स। लाइक इन दिस रीजन लेट देयर इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रेजेंट downward like this. When a particle of charge plus q is thrown with a velocity v like this, what happened? The particle will experience an electric force F equals to qe. Kidhar hoga? Positive charge hai in the direction of field. Field niche ki taraf hai, toh ispe electric force bhi isi direction mein lagega, F E, ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। नेट फोर्स क्या आ रहा है? इक्वल टू क्यू ई। बट इन द सेम रीजन इफ वी विल आल्सो हैव अ मैकेनिज्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड क्रॉस, यानी इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, बी कॉन्स्टेंट है बी, एंड डायरेक्टेड क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ है, इनवर्ड है, इस तरह से है। सो इट ऑल्सो गेट अ मैग्नेटिक फोर्स ऑफ क्यू इन टू V क्रॉस B, Q इंटू वी क्रॉस बी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, ये चैप्टर 1 में पढ़ा था। सो नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन इज V क्रॉस B। बाय राइट हैंड थंब रूल वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस मीन्स अंदर की तरफ है, राइट हैंड फिंगर्स को अंदर घुमा दें, फोर्स विल बी लाइक दिस इन द डायरेक्शन ऑफ थंब। मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड, that is net force acting on a charged particle in the presence of electric and magnetic field। in question mein bole lorentz force, lorentz means both electric and magnetic force ka vector addition। main bar bar kehta aa raha hu vector addition, vector ka concept bar bar use ho raha hai, hame ek bar vectors ko revise kar lena chahiye। I will arrange a separate extra class for vectors, you are welcome for that। I will announce the timings in the group। let's proceed। सो नेट फोर्स क्या आ गया? इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक, दैट इज नेट फोर्स। नाउ इसी पे बेस्ड होता है एक मैकेनिज्म दैट इज नोन एज वेलोसिटी सेलेक्टर। व्हाट इज वेलोसिटी सेलेक्टर? ध्यान से समझेंगे, पहले मैं इसको डिफाइन कर दूं, समझा दूं होता क्या। वेलोसिटी सेलेक्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉस्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस्ड का मतलब है परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का परपेंडिकुलर कॉम्बिनेशन होता है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉस्ड ई एंड बी इन विच a particle of, or we can say beam of particles, in which a particle of certain velocity, we can say required velocity, jitni chahiye, particle of certain velocity passes, iske andar se, is combination ke andar se pass ho jayega, passes undeflected, undeviated, matlab डेविएट नहीं करेगा, अपने पाथ से चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। कैसे देखें जरा, फॉर दैट वी विल टेक अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लाइक दिस। दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट एंड दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट लाइक दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव लाइक दिस इन दिस रीजन। व्हेन वी विल थ्रो अ पार्टिकल ऑफ चार्ज प्लस क्यू इन दिस रीजन विद सम वेलोसिटी वी, व्हाट हैपेंड?
इट एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल्स टू क्यू ई. इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा क्यू ई, फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज है. इन द सेम रीजन वी विल ऑल्सो मेंटेन अ यूनिफॉर्म परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बी. क्रॉस मीन्स अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, इन टू द प्लेन ऑफ पेपर है, शायद आप समझ पा रहे होंगे, इन टू द प्लेन ऑफ पेपर लाइक दिस, जिससे इस पर मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा. सो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इन दिस कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉस यानी परपेंडिकुलर ई एंड बी, ई इधर है बी अंदर की तरफ है. सो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज लोरेंज फोर्स कह सकते हैं. दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फोर्स? दैट इज सेम वही क्यू ई प्लस मैग्नेटिक फोर्स क्यू इन टू V क्रॉस B. दिस इज नेट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल. मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? V इधर है, B अंदर की तरफ है, घुमा दे फिंगर्स को, इधर फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा. ध्यान से डायग्राम में देखें तो दो बोथ आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन. ये दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा. मीन्स नेट फोर्स अनडिफ्लेक्टेड कब जाएगा? जब नेट फोर्स जीरो हो जाए. मीन्स जितना इलेक्ट्रिक उतना ही मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस हो जाए अपोजिट डायरेक्शन में. सो नेट फोर्स शुड बी जीरो. नेट फोर्स क्या होना चाहिए? दैट मस्ट बी जीरो, तभी पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड जाएगा. नेट फोर्स का मतलब है इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स का वेक्टर एडिशन इक्वल्स टू जीरो. वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फोर्स मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू मैग्नेटिक फोर्स, यानी उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा. मैग्नीट्यूड की बात करें तो माइनस मतलब डायरेक्शन अपोजिट है, बट मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल, तभी कैंसल आउट करेंगे और नेट फोर्स जीरो हो जाएगा. इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फोर्स? क्यू ई. एंड मैग्नेटिक फोर्स क्यू इंटू वी क्रॉस बी. को एक्सपेंड करेंगे तो आएगा क्यू वी बी साइन थीटा. थीटा इन दिस केस इज 90 डिग्री. वी और बी परपेंडिकुलर है, वी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ इस तरह से. होप यू आर गेटिंग. क्यू एंड क्यू कैंसल्ड. E becomes equals to V into B sin 91. Therefore, what is the velocity? Velocity is E divided by B. ध्यान देंगे, जिस velocity के particle को हमें यहाँ से undeflected cross कराना है, सीधा लेके जाना है, तो electric और magnetic equal करने पड़ेंगे. उसके लिए हमें जो E और B की वैल्यूज होंगी वो इस तरह से अरेंज करनी पड़ेंगी सो दैट उन दोनों का रेशियो वेलोसिटी के इक्वल आ जाए. मान लेते हैं यहाँ से बहुत सारे पार्टिकल्स की एक बीम है जिनकी वेलोसिटी अलग अलग है. ऐसे में जिस जो भी वेलोसिटी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है उस वेलोसिटी का पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड निकल जाएगा. अदर पार्टिकल्स कोई इधर डिफ्लेक्ट हो जाएंगे. ड्यू टू विच वी गॉट a beam of a certain particles having a certain velocity and that may be bombarded on the target. बहुत सारे पार्टिकल सबकी वेलोसिटी अलग अलग है, हमें तो एक सर्टेन वेलोसिटी का पार्टिकल ही चाहिए, एक सर्टेन काइनेटिक एनर्जी का पार्टिकल अलग चाहिए था. इस तरह से हम अलग कर लेते हैं. वही कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन विच अ पार्टिकल ऑफ सर्टेन वेलोसिटी पासिस अनडिफ्लेक्टेड एंड दैट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अदर पार्टिकल्स. एक पार्टिकुलर वेलोसिटी का पार्टिकल अदर पार्टिकल से अलग कर सकते हैं. होप यू अंडरस्टैंड. बहुत सारे डिवाइसेज में इसके यूजेज हैं. वेलोसिटी सेलेक्टर बहुत जगह यूज किया जा सकता है. कहीं भी अबीम ऑफ पार्टिकल्स हमें चाहिए ऑफ सर्टेन वेलोसिटी, बट बहुत सारी वेलोसिटी हैं तो उनको यहाँ से पास करा देंगे इस मैकेनिज्म में. ये कंडीशन सेटिस्फाई जिसके लिए होगी उस वेलोसिटी के पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड निकल जाएंगे. दैट इज अबाउट द लोरेंज फोर्स मीन्स बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक एंड वेलोसिटी सेलेक्टर इज द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. होप यू गॉट इट. आज इतना ही पढ़ते हैं. थैंक यू ऑल. टेक केयर.